चार बार मारेंगे एक बार गिनेंगे। बताओ कैसे अटका है? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। सेशन बी एक्शन। मेरे पास गुंडों की पूरी फौज है, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन जेड तक। बता दे वो कैसेट कहाँ है, बता दे वरना इतनी मार खाएगा कि गले की गली से आवाज नहीं निकलेगी और हलक का कैसेट प्लेयर टूट जाएगा। कोई परवाह नहीं, पर तेरी मौत का कैसेट 24 घंटे के बाद कोर्ट में बजने वाला है। रमेश बेगुनाह साबित होकर छूट जाएगा। अपुन रहे न रहे, अपुन का भाई तेरी मौत का कैसेट बजाने जरूर आएगा। सेक्शन सी तुमसे उगलवा लेगी। सेक्शन सी एक्शन। घूमने में तुमने मेरी फाड़ी थी पैंट, अब मैं तुम्हारी फाड़ूंगा पैंट। नहीं फाड़ूंगा मैं ये फाड़ी। कुत्ते एक्शन डी एक्शन। तो बड़ी बहादुर लड़की है, हैं? तू हमको बताएगी? ए शोभा, तुम जरा बाहर जाओ, मैं इसको खोलता हूँ। क्यों जी? इसे खोल रहे हो तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे तो मर जा। जी नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी आंख में मुझे शैतान नाचता हुआ नजर आ रहा है। पीताम्बर पोपटलाल की बीवी ने भी अपने पति पर ऐसी शक किया था जैसे तुम कर रही हो। जानती हो उसका क्या हुआ? बेईमान, धोखेबाज, मुझे झूठे इल्जाम में फंसा कर मुझसे ही मिलने आए हो। प्यारे लाल, मेरे प्यारे लाल, मरने वाले गाली नहीं बका करते, वरना स्वर्ग में तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। हम तेरी आत्मा को शांति पहुंचाने का प्रोग्राम बना कर आए हैं। सुन ले। सुना बे। कल अदालत में मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब तुमसे आखिरी बार पूछेंगे कत्ल तुमने किया है या नहीं। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि मैं कातिल नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि कत्ल तुमने किया है। जानते हो क्यों? मैं बताता हूँ। ये सब बेचारे तोतों की तरह मेरे पिंजरे में कैद पड़े हैं। अगर तुमने इनकार किया और ये कहा कि कत्ल तुमने नहीं किया है तो इन फोटों का फ्रेम बनाकर हम उन पर हाथ चढ़ा देंगे। और तुम्हें आकर अगरबत्ती जलानी पड़ेगी। हार और अगरबत्ती का मतलब समझते हो ना? देखो भाई, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। चल बे। मिस्टर रमेश, अदालत की दूसरी तमाम कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ तुम्हारा बयान बाकी है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गोयल साहब का खून मैंने किया है। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी मुझसे करने से इनकार कर दिया। मैं अपने गुस्से पर काबू न पा सका और उनका खून कर दिया। ये तू क्या कह रहा है? नहीं, ये झूठ है जस्सा, ये गलत बोल रहा है। मुल्जिम रमेश बल्द यशपाल ने अपने जुर्म का इकबाल किया। 9 अक्टूबर की रात को इसने अपने मालिक श्री गोयल का तैश में आकर कत्ल कर दिया और प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट भी तमाम सबूतों के साथ यही साबित करती है कि गोयल साहब का रमेश ही कातिल है। लिहाजा अदालत रमेश को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत
फांसी की सजा तजवीज करती है। मां, मैं तेरा कर्जदार हूं। तूने सारी जिंदगी दुख झेल झेल कर, दुनिया की सारी तकलीफें सह सह कर मुझे बड़ा किया, और आज बड़ा होने के बाद तुझे सुख की छांव देने की बजाय दुख की जलती धूप में छोड़कर दुनिया से जा रहा हूं। मां, ऐसा मत बोल बेटे। कल सूरज निकलते ही मुझे फांसी हो जाएगी। ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है इस दुनिया में। मुझे आशीर्वाद दे मां, ताकि अगले जन्म में तेरी कोख से जन्म लूं और तेरे इन आंसू और दुखों का कर्जा उतार सकूं। जुग जुग जियो बेटे। मां भी भगवान ने दुनिया में एक निराली ही चीज बनाई है। जन्म देने से लेकर बेटे की आखिरी सांस तक हर घड़ी यही कहती है, जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। बेटे, ये भगवत गीता है, इसे अपने पास रख ले, तेरा ये सफर आसानी से गुजर जाएगा। चलिए, मिलने का टाइम पूरा हो गया। ठीक है बेटे, तुझे भगवान के सपोर्ट किया। अपन का बेटी जूली और गंगू को अजीत का आदमी लोग बंद करके रखा है। आप उनको मालूम है, चलो। लेकिन ये, अरे अपन इसका बंदोबस्त करता है ना, चलो अपन के साथ। ठीक दो घंटे बाद रमेश के गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है, फिर तुझे कौन बचाएगा? जिद करके क्या फायदा? इन कागजात पर दस्तखत कर दे, मैं तुझे जिंदगी दूंगा, इज्जत दूंगा और बहू बना के घर में रखूंगा। मुझे मरना मंजूर है, मगर तेरी बहू बनना और दस्तखत करना मंजूर नहीं। तो समझ ले कि तेरा वक्त खत्म हो गया, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अबे बचाने वाला हाजिर है। भैया, भैया
तेरा सब कुछ जल गया, अड्डा जल गया, आइडिया जल गया, चोरी का पैसा जल गया, आदमी जल गए। अब अपनी जिंदगी जलाने के लिए कोर्ट में चल, चल, अबे चल। आधी रात को सबसे नजरे बचा के माँ हम दोनों इधर आ गए और सीधा मामा जी के कमरे में पहुंच गए। तकिया लेकर मामा जी का मुंह दबा दिया। माँ, मामा जी मछली की तरह तड़प कर बिना आवाज किए मर गए। पिताजी, पिताजी, वो जज देखो कैसे घूर के देख रहा है। उसकी नजरों से ऐसे लगता है कि वो हमें फांसी से भी ज्यादा सजा देगा। तू जैसी बदनसीब औलाद, गधे की औलाद अगर औलाद होगी तो और क्या होगा? तू मेरी औलाद नहीं है। तुम मेरे पिता नहीं। अदालत छपाल को निर्दोष करार देते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है और असली मुजरिम अजीत और रंजीत को उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। बिल खोदने वाले चूहों को तो मैंने पकड़वा दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि जिन महापुरुष से मैंने वादा किया था वही नहीं रहे। भगवान ने पिता का साया छीन लिया, मगर उसके बदले ये माँ जो दे दी